ओके गाइस, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग स्मार्टफोन के क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट के बारे में, यानी कि सैमसंग के कौन कौन से स्मार्टफोन के अंदर हर 3 से 4 महीने पे न्यू FOTA अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का बजट स्मार्टफोन या फिर से मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन या फिर से फ्लैक्सिप स्मार्टफोन ओल्ड अगर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर फाइनली न्यू अपडेट कब देखने के लिए मिलेगी तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करें सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, फोल्ड 5G, जेड फ्लिप 5G, सैमसंग S10 लाइट, नोट 10, नोट 10 5G, नोट 10 प्लस, नोट 10 प्लस 5G, नोट 10 लाइट, A22 A22E 5G, A32 5G, A03 A03S, A03 Core, A13 5G, A23 5G, A33 5G, A73 5G, A04 A04S, A04E, A14 5G, A24 A34 5G, M21 2021 Edition, M22 M32, M32 5G, M52 5G, M13 M23 5G, M33 5G, M53 5G, M14 5G, M54 5G, F22 F42 5G, F13 F04 F14 5G, Tab AA, Tab Active Pro, Tab Active 3, Tab Active 4 Pro, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra। तो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन को क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट में जो है ना वो सैमसंग ने इंक्लूड कर रखा है। और आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर 3 से 4 महीने से कोई सा भी न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है और आप लोगों का स्मार्टफोन इस क्वार्टरली अपडेट लिस्ट में इंक्लूड है, तो गाइस आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर जो है ना वो इस अगस्त मंथ में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग वाले क्या करते हैं और कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है या फिर से अपडेट रिलीज किया जाता है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।